हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के थ्रू मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 के एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो, जैसा कि आप जानते होंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट जो है वो एसएससी के थ्रू प्रोवाइड करवाई गई थी कि हाँ, एग्ज़ाम जो है वो 29 को होने वाला था, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है 29 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था। बट आप जैसा कि जानते होंगे कि 29 मार्च को होली भी है, तो क्या आपका एग्ज़ाम होली वाले दिन भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। आज मैं इस वीडियो के थ्रू इस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या आपका एग्ज़ाम जो है वो 29 से पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। सो, क्या एसएससी के थ्रू नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट जो है वो रिलीज़ होगी या फिर नहीं होगी या फिर कब होगी, और साथ में एसएससी की जो एग्ज़ाम डेट है उसकी कंफर्मेशन पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ ही आरटीआई की तरफ से जो रिप्लाई आया है एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम के बारे में, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या रिप्लाई आया है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा क्लियर, एकदम नीट एंड क्लियर आंसर देने वाली हूँ। सो, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं बट बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास नहीं पहुंच पाती है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सो, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मैं जैसे ही अपलोड करूँ आपको तुरंत उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है वो 17 मार्च हो गया है, बट अभी एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी एसएससी के थ्रू ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर हम बात करें पहले की पुरानी एसएससी के एग्ज़ाम डेट के नोटिफिकेशन के बारे में, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि एग्ज़ाम जो है वो 29 को शेड्यूल था। सो, हम अभी तक कंसीडर करें तो अभी तक जो है एसएससी के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसके 10 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है मेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू। आपको मैसेज आ जाता है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी तक इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी कैंडिडेट को नहीं आई है या फिर इसके ऑफिशियल पेज पर भी कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ऐसे में सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं उन सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए अपने बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोग बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दें, आप अपनी कितनी प्रिपरेशन कर पाए हैं और आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। आपको बस फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम के बारे में अभी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। सो, स्टूडेंट, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जैसा कि स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम पोस्टपोन का हो गया या फिर एग्ज़ाम डेट का हो गया या फिर आरटीआई रिप्लाई का हो गया या फिर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में हो गया, स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाली हूँ। सो, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाए जिसकी वजह से आपका डाउट क्लियर ना हो पाए। सो, आपको इस वीडियो पे कंटिन्यूस बने रहना है। सो, चलिए सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम डेट है जो है वो पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 29 से एग्ज़ाम डेट जो है वो शेड्यूल था बट 29 को होली है, तो क्या एग्ज़ाम आपका होगा या फिर एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम डेट के बारे में गूगल पे सर्च किया, तो इसमें अभी भी 29 मार्च टू 31 मार्च तक एग्ज़ाम डेट इसकी शो हो रही है। सो, स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एसएससी का ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर भी डाउनलोड किया है, इसमें भी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम जो है वो 29 मार्च टू 31 मार्च ही एग्ज़ाम डेट दिखा रहा है। सो, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 29 टू 31 मार्च ही है, यानी कि अभी भी इसके एग्ज़ाम डेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट और इसका एग्ज़ाम डेट अभी पोस्टपोन भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होती भी है तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, और जैसे ही इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है कि एग्ज़ाम डेट इसका पोस्टपोन हो गया है, तो आपको इस चैनल पे इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी।
और अगर पोस्टपोन नहीं भी होता है तब भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूस रखनी है, आपको इसमें कुछ भी परेशान नहीं होना है। सो स्टूडेंट, अभी तक जितने कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हाँ इसकी एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी, तो अभी तक इसकी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन नहीं हुई है। सो आपको ये क्वेश्चन जो है अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल देना है और आपको अपनी प्रिपरेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और जैसे ही इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इस चैनल पे सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो चलिए बात करें नेक्स्ट पॉइंट में कि RTI का ऑफिशियल रिप्लाई क्या आया है कि एग्ज़ाम जो है उसी डेट में होगा या फिर एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए अब मैं आपको RTI का रिप्लाई दिखा देती हूँ कि उन्होंने अपना रिप्लाई में क्या बोला है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि RTI की तरफ से जो रिप्लाई आया है इसमें इन्होंने ये मेंशन किया है यानी कि SSC स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो 26 मार्च एंड 31 मार्च एंड 1 अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक और पॉइंट को मेंशन किया है इस रिप्लाई में, इन्होंने इसमें अपना कोई भी फाइनली डिसीजन प्रोवाइड नहीं करवाया है। सो स्टूडेंट, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होता है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो चलिए अब बात कर लेते हैं SSC की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि SSC की तरफ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन क्या आई है इसके बारे में। मैंने आपको बताया है अगर हम SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें तब भी उसमें अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं दिखा है, और RTI की रिप्लाई के बारे में देखें तो उसमें भी वही डेट मेंशन की हुई है। फिलहाल के लिए अभी तक इसके एग्ज़ाम डेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू।